चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फोर में आ रहे हैं हम लोग। चैप्टर फोर इज हैविंग ओल्ड टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास। उसका नाम मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे एक है लाइफ साइकिल कॉस्ट, दूसरा है टारगेट कॉस्ट। ये दो ओल्ड टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से क्लास में कराया हुआ है, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सब कुछ बताया गया, बट एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेंगे। और जो इस चैप्टर का मेन फोकस है वो है एक ऑल टुगेदर नया टॉपिक विच इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एकदम समझ लीजिए आपका सिलेबस का नया पार्ट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आई विल डू दिस चैप्टर इन रिवर्स वे। फर्स्ट हम लोग जो नया पार्ट है उसको पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कॉमन थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जस्ट सेइंग दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट व्हेन दे आर डूइंग बिजनेस। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप एनवायरमेंट को बचाओ, बट कम से कम सतर्क तो रहो, कॉन्शियस तो रहो। मोदी जी का मेक इन इंडिया के समय जो स्लोगन था वो यंग जनरेशन को अपील कर रहे थे दो ही पॉइंट पर, कि मैं भारत के नौजवानों से निवेदन करता हूं कि आप इंडिया में अपना कुछ बिजनेस शुरू करें, ना कि बाहर जा जाके जॉब करें, और जो भी बिजनेस करें उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें, और आउटपुट जो आप बनाएं उसमें जीरो डिफेक्ट का ध्यान रखें, जो TQM फिलोसॉफी में आपने सीखा था, और इसका भी ध्यान रखें कि उसका जीरो इफेक्ट हो जिसमें एनवायरनमेंट पे असर कम से कम पड़े। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का जो उनका स्लोगन था मेक इन इंडिया के लिए, वो जीरो इफेक्ट एनवायरनमेंट को के प्रति आपका कॉन्शियसनेस जगाना था, कि ऐसा कोई बिजनेस करे ही नहीं जिसमें एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा हो। तो लोगों को लगता था कि ये स्वच्छ भारत करे इसलिए बोल रहा है। हाँ बोल रहे होंगे, बट स्वच्छ भारत भी अल्टीमेटली कनेक्टेड एनवायरनमेंट से ही है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहा तो यहाँ की लाइफस्टाइल्स, देश की लाइफस्टाइल्स बहुत बेहतर होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आना चाहेंगे। बोलते हैं ना, विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है। सुनिए ये बात, साइंस इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स। तो वो कैसे है कि जब विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ तो लोगों की लाइफस्टाइल्स इंप्रूव तो हुई, मेहनत कम हुआ, बट जो जो मशीनों की आविष्कार होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वास्ट होता गया वैसे वैसे उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे भी पड़ना शुरू हुआ, एंड उसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग, उसका नतीजा कि डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग कंट्रीज में आ गए। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन सा है? USA, मोस्ट डेवलप्ड, तभी वर्ल्ड का नंबर वन है, हर तरह से वो नंबर वन है। और सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग कंट्री कौन सा है? USA, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटिंग कंट्री। उनका जो कार्बन एमिशंस है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, बोलते 20 टन्स पर एंटिटी पर ईयर, 20 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर एंटिटी पर ईयर। अब इतनी सारी एंटिटीयां हैं, आप एवरेज कर लीजिए, मतलब यूएस का एवरेज है 20 टन्स पर पर्सन पर ईयर, आप ऐसा समझ लीजिए, पर पर्सन पर ईयर। आप बोल सकते हैं वहां पे पॉपुलेशन भी कम है, बट एमिशन इतना ज्यादा है कि पर हेड वो 20 टन आ रहा है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा है,
बट पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण इट इज ओनली 1 टन एंड इंडिया इज नॉट डेवलप्ड, इट्स डेवलपिंग. सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटिंग इज यूरोप, 10 टन. तो क्या है, यही दो दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में आते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा प्रदूषण है. और प्रदूषण का इम्पैक्ट अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली में चल रहा है कि पोल्यूशन के कारण इतना फॉग है कि सामने में 10 फुट की दूरी पे एक गाड़ी को पीछे की गाड़ी आगे की गाड़ी नहीं दिख रही, वो आके मार दे रहा है. इतने खतरनाक खतरनाक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं. एंड इट इज ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन. सो एनवायरमेंट के प्रति अगर हम कॉन्शियस नहीं होंगे तो हम जो भी तरक्की अपने आप में चाह रहे हैं वो कभी भी मटेरियल वे में हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे. दैट कॉन्शियसनेस प्रोबेबली इज ब्रिंग ब्रॉट टू अस ऑल्सो थ्रू दिस चैप्टर. हम भी थोड़े जागरूक तो हो. आपको एक और राज की बात बताते हैं. जब भी कोई नया सिलेबस बनता है ना, इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो सिलेबस को अप्रूव कराने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को भेजता है. इसलिए भेजता है कि एक तो इंस्टीट्यूट का दबदबा भी बने, सब कोई पहचाने कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कोर्स है. तो इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंशियल मार्केट, आपको याद है क्या, उधर रिलेशनशिप बनता है. तो वो लोग सीए सीए करने लगेंगे तो सीए का दबदबा बनेगा ही. तो बोलते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी सिलेबस गया था रिव्यू होने के लिए. और मुझे एकदम पक्का दावा है कि जो दो नया चैप्टर अभी आप पढ़ने वाले हो वो पीएमओ ही लिख के भेजे होंगे कि प्रदूषण के ऊपर आप नहीं पढ़ा रहे, जीरो इफेक्ट के ऊपर नहीं पढ़ा रहे, कैसे हो सकता है. और जीरो डिफेक्ट जो टीक्यूएम रिलेटेड जितना साइंस था उसको इतना एलाबोरेट कर दिया आपने, देखा ही, चैप्टर 2 और 3 इसी के बारे में था. तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पे एम्फेसिस डाल दिया. और दूसरा जो नया एक और चैप्टर आ रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, की एग्री आईटी और पावर, इस 3 पे प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस. ग्राम ग्राम में बिजली पहुंचाने का काम चल ही रहा है और डिजिटल इंडिया वो बनाना ही चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली कृषि कल्याण उनका करना नेक्स्ट काम है. तो इस तीनों पे भी आपको थोड़ा 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 तैयार कर दिया है. एनीवेज मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप अपने तरफ से, बिफोर वी एंटर इनटू चैप्टर, आप अपने तरफ से थोड़ा एनवायरमेंट कॉन्शियस होइए. एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं फिर और बात करते हैं. In this video, you will be able to see how you can reduce your own contribution towards bad environment. Reduce your own contribution towards poor environment. Reduce your own contribution to climate change by reducing the amount of carbon dioxide you are responsible for releasing into the atmosphere. Imagine someone living in a warm place in a house built of wood, mud and straw, who cooks using firewood with an ox to plough the land, and who grows all their own food and all the food their animals need. Would they be adding extra carbon dioxide to the atmosphere? Pause and think. The answer is no. Everything they use and grow is part of the natural carbon cycle, where carbon dioxide is captured during photosynthesis and released again when living things respire or when the wood burns. This person could be somebody living before we started using fossil fuels, or maybe living in a village remote from centers of industry. They have a carbon footprint of zero. Your carbon footprint is measured by the amount of extra carbon dioxide your lifestyle adds to the atmosphere as a result of the use of fossil fuels or the cutting down of trees, etc. The world average is about 4 tons per person per year, but that hides a huge difference. The USA is about 20, Europe around 10, and India about 1, although within these countries there's also a huge range. For people living in the developed, affluent world, the 10 tons is made up of using a car, flying by air, heating and electricity in the home, clothes and food, leisure activities, and buildings, manufacture and public services generally.
Of course, if your country generates electricity without burning fossil fuel, for example nuclear power or replenishables such as wind or hydro, your carbon footprint will be reduced. Can you think of ways you might reduce your own personal carbon footprint? Pause the video whilst you think. Well, you had to think of ways to reduce your use of fossil fuels. You might use energy to heat your home or cool it down. So, put at least 40 centimeters of insulation made of mineral wool or similar in the attic. Have large windows facing the midday sun and small ones opposite. Fit triple glazing, now standard for new homes in Canada and Scandinavia. Insulate the walls of your house well. In hot climates, build verandas or have a central courtyard, as in ancient Rome or the Medinas of Morocco. With natural cooling, you avoid the need to use air conditioning or fans. You might need to travel. If you have to use a car, reduce your speed. Most of the car's energy is used to push air out of the way. Better still, try to use buses and trains, and for short journeys, walk or cycle or take the bullock cart. You need to eat, and growing and processing your food and bringing it to your house may have used fuel. If you cannot grow your own food, try to buy it locally to save transport costs. However, the main use of fossil fuels in agriculture is on the farm. For example, dairy and sheep meat production for the UK is more energy efficient if grown in New Zealand, even including the transport costs, because fertilizers are not needed in New Zealand, where sheep graze on hillsides unsuitable for human crops. Maybe the biggest way to reduce your carbon footprint is not to eat meat, especially red meat. By growing food for ourselves rather than for animals which we later eat, we can get up to 10 times as much food from the same land and fertilizer use. You may use electricity in the home. For example, what percentage of the electrical energy used by a filament light bulb comes out as useful light? Pause and think. Well, most of the energy comes out as waste heat and less than 3% as light. So replace your filament light bulbs with new LED lights, which are nearly 100% efficient. If you use a dishwasher or washing machine, make sure they're full and on low temperature setting and have a low water usage. Finally, recycle unwanted materials. Although it costs energy to transport and reprocess the waste, it uses less energy than starting with fresh raw materials. कुछ क्लैरिटी आया? अब आप बोलेंगे सर इसका क्या जरूरत है, अब जिए भी नहीं क्या? अब आप बोलेंगे गाड़ी भी नहीं ले क्या, इतना फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं पैदल ही जब चलना है तो? बट एनवायरमेंट का ध्यान तो आपको खुद रखना पड़ेगा. आपको पता है एनवायरमेंट कॉन्शियस लोग तब होते हैं जब वाकई में ट्रबल आने लगता है. चाइना में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चालू किया, और अमेरिका में भी कुछ शहरों में है कि अगर आप अकेले कार चलाते हुए पाए गए तो फाइन है. कि इतना बड़ा कार लेके एनवायरमेंट में आप जा रहे हो और वो भी अकेले, अगर चार लोग मिलके कार का फुल ऑक्यूपेंसी लेके कार में जा रहे हैं तो रास्ते में अगर टोल टैक्स लगना होता है तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप एनवायरमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो. सो दैट इज द कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट. अगर आपने इंडिया में भी ये चीज हो रही है, सोलर एनर्जी प्लांट बैठा लिया है, आप सोलर पावर यूज करके अपना प्लांट ऑपरेट कर रहे हो, तो फर्स्ट इज देर इज वेरी लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दैट प्लांट. मतलब कॉस्ट इज 1/10, इट इज लाइक दैट. एंड इन मेजर इंडस्ट्रीज द मेजर कॉस्ट नाउ इडेज इज पावर कॉस्ट. अगर सोलर पावर से काम हो रहा है तो इट इज सपोज टू कॉस्ट 1/10 ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट. एंड अगर आप ऐसा करते हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारा टैक्स हॉलीडेज दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आप वातावरण के लिए सोच रहे हो.
तो बात ये आती है कि अभी यूरोप आप चले जाओगे, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया, ऑड नंबर इवन नंबर कार का सिस्टम डाला, ऐसे ही बाकी शहरों में, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में हमारा एक फ्रेंड अभी गया हुआ था तो वो बता रहा था वहां पे न्यू जर्सी बोल के एक जगह है यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम में, न्यू जर्सी शायद यूएस में, जर्सी बोल के एक जगह है, तो वहां पे पीडब्ल्यूसी में वो काम कर रहे थे, बता रहे थे कि पीडब्ल्यूसी का जो वहां पे पार्टनर है या डायरेक्टर है, वो लोग भी ऑफिस में साइकिल साइकिल पे आते हैं, दे कम इन साइकिल, सूट पहन के साइकिल में आ जाते हैं, और इंडिया में इतना रईसी, आप सोचिए, सब्जी लेने जाते तो गाड़ी में जाते हैं, बगल में सब्जी लेने चलते, चलो गाड़ी में चलते, पैदल क्यों चले, और वो लोग ऑफिस आते साइकिल में, मंडे टू फ्राइडे दे कम इन साइकिल, एंड साइकिल में आना वहां पे एक प्राइड है कि आप एनवायरमेंट के लिए कॉन्शियस हैं। सैटरडे संडे सबके पास, मतलब हो सकता है लेटेस्ट लग्जरियस कार भी है, ऐसा नहीं कि कार नहीं है, बट दे यूज इट ऑन इंटरवल्स, दे यूज इट व्हेन दे आर आउट फॉर ट्रैवल और पिकनिक और समथिंग लाइक दैट, नॉट इन एवरी डेज लाइफ। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो पाए। चाइना में बीजिंग करके शहर है, उसमें कई सारे रास्तों में गाड़ी बैंड है, सिर्फ साइकिल जा सकता है या वॉकिंग जा सकते हो, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है वहां पर कि कार ही बैंड है, शहर में कार इज बैंड, ओनली साइकिल और वॉकिंग, जहां जाना है साइकिल से जाइए, वॉकिंग से जाइए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो चल रहा है उसको यूज करिए, कार इज बैंड। सो ये कॉन्शियसनेस उन लोगों में इतना एक्सट्रीम लेवल पे क्यों जागा, क्योंकि हाईली पॉल्यूट हो चुके हैं। इंडिया में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर हम लोग थोड़े बहुत कॉन्शियस हो जाए तो शायद आने वाला जमाना और बेहतर हो जाएगा, एंड इट इज रिक्वायर्ड, एंड यू कैन ओनली डू बाई जस्ट रिलैक्सिंग। आप पूरा देश को तो नहीं बदल सकते, बाई एटलीस्ट रिड्यूसिंग योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। एक कॉन्सेप्ट इमर्ज किया इन द नेम ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट इज बेसिकली कार्बन एमिशन पर पर्सन पर ईयर, जो इंडिया का एवरेज दिखाया 1 टन है, कार्बन एमिशन पर पर्सन पर ईयर, ऑन एन एवरेज 1 पर्सन इन इंडिया ऑल्सो इज एमिटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोस्फियर बाई मेंटेनिंग हिज लाइफस्टाइल। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो अपने तरफ से, कैसे रिड्यूस कर सकते हो, क्या एनी सजेशन है आपके पास, एनवायरमेंट को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? जैसे वो तो बेसिक आपको वीडियो में ही समझ में आ गया कि वॉक कर लो, ज्यादा दूर दूर से सामान नहीं खरीदो, लोकल खरीद लो, अपना सब्जी खुद उगाओ, या फिर नहीं उगा सकते तो लोकल बाय करो, ज्यादा दूर जाके क्यों बाय करना है, और कोई उपाय? अरे घर में झूठ मूठ का इलेक्ट्रिसिटी यूज मत करो, मतलब एक होता है ना कि वेस्टेजेस नहीं होना चाहिए, फालतू का फैन ऑन करके हम लोग चले जाते हैं, मोबाइल ओवर चार्ज करते रहते हैं, नहीं टीवी ऑन करके इधर उधर चले जाते हैं, अननेसेसरी यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने चाहिए। घर भी जब बनवाएं तो एम्पल सनलाइट आए इस तरह का घर बनवाएं। चाइना में क्या कॉन्सेप्ट हुआ घर बनवाने का, सनलाइट लाने के लिए, कि एनर्जी कंजम्पशन घर में कम हो जाए, घरों में वॉल नहीं है, सिर्फ ग्लास का वॉल्स है चारों तरफ, उस वन वे विजन वाला ग्लास लगा देते हैं कि यहां से बाहर नहीं दिखेगा, मतलब बाहर से अंदर नहीं दिखेगा, वैसा विजन वाला ग्लास लगा देते हैं, आप अंदर हो तो आप बाहर चारों तरफ देखो, पूरा बिल्डिंग में वॉल नहीं है, इमेजिन। क्यों ऐसा करते कि सनलाइट सबसे ज्यादा आए, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाए, तो आप अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बोलते हैं ना अवॉइड करिए, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग नहीं होता है, समझ गए, प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, उसको फिर डंप करने का उपाय दो ही होता है, क्या तो बरी करो जमीन में,
और अगर जमीन में बरी करोगे तो जमीन का कल्टीवेशन कैपेसिटी जीरो हो जाएगा, या फिर उसको बर्न करो, और बर्न करोगे तो बहुत कार्बन एमिट होगा, मेथेन भी एमिट होता है जो अल्टीमेटली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है. मेथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देगा, ओजोन लेयर में होल कर देगा. इसलिए प्लास्टिक पे प्रोहिबिशन है बहुत जगह. अब ये कम्युनिटी चॉइस हो गया, मतलब आप बोलते नहीं प्लास्टिक दे दो तो ये आपका चॉइस है कि आप कार एनवायरमेंट कॉन्शियस हो. नहीं, हमारे कुछ लोकेलिटीज में कलकत्ता में ही, जैसे हम लोग पहले लेक टाउन में रहते थे, तो लेक टाउन और वहां पे बांगूर एक एरिया है, वहां पे कहीं पे भी आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा. यू वोंट गेट प्लास्टिक किसी भी काम के लिए, प्लास्टिक मिलेगा ही नहीं. मतलब ऐसा अगर हर जगह हो जाए तो बहुत ही अच्छा. मॉल में जाते हैं अपने परचेसिंग करते हैं, 5 रुपया लेके बेटा लोग प्लास्टिक दे देता है, बट दे देता है ना. और वही इन्वायरमेंट कॉन्शियस होता अगर वो मॉल, तो वो पेपर बैग्स ही देता. वैसे जैसे कोई अच्छा स्टोर में जाता है तो पेपर बैग्स दे देता है, उसका चार्ज भी नहीं करता वो लोग तो. और ये लोग तो 5 रुपया लेके प्लास्टिक देते हैं. इसलिए बोलते हैं कि 5 रुपये से इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आप ना बोल दो 5 रुपये के चक्कर में. बट मेरा कहना है कि भाई आप देते ही क्यों है 5 रुपये? जो मॉल में आ रहा है हजारों का शॉपिंग करना, उसको 5 रुपये थोड़ी दुखेगा. वो 5 रुपये के लिए बोल देगा, हाथ में ले जाएगा. तो आइडियली वो बंदी हो जाना चाहिए, तब वो काम होता है. तो इट इज जस्ट दैट अ कॉन्शियसनेस नीड्स टू बी देयर. आपके पास कार है, आप सबको लेके जाइए अकेले. जैसे मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो सुबह सुबह कार में ही आता हूं. आप सोच रहे होंगे खुद बेटा कार में आते हैं, हम लोग को लंबा लंबा ज्ञान दे रहे. तो मेरा डिस्टेंस भी बहुत है, मैं अगर कार में नहीं आऊंगा तो मेरे घर से बस नहीं आता है. और टू व्हीलर में आऊंगा तो मैंने बहुत आके देखा है कि फिर पढ़ाने का हिम्मत नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना अफेक्ट कर जाता है कपड़े को, चेहरे को, बॉडी को. तो वो इंस्टेंट जो पढ़ाना होता है सुबह आती, वो नहीं हो पाता है. तो मेरे लिए मैं ऑप्शन लेस कॉम्बिनेशन लगा के बेसिक कार यूज करता हूं जिसका माइलेज अच्छा हो. बट द थिंग इज वी हैव टू बी कॉन्शियस, दैट्स द थिंग. आपको जितना हो सके कॉन्शियस होना है. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जीरो कर लीजिए, कॉन्शियसनेस रहेगा तो शायद कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, आप अपना योगदान दे पा रहे. दैट्स वॉट कार्बन इज अबाउट. जैसे वही स्मोकिंग करना इज कार्बन एमिशन. स्मोकिंग जो कर रहा है उसके साथ रहना इज कार्बन इनटेक ऑल्सो, एंड अगेन सपोर्टिंग दैट एमिशन. एक होता है ना, दो तरह से कार्बन एमिशन आप करें, एक एक्टिव स्मोक करके, एक पैसिव साथ देके. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आप जो कर रहे हो वो एनवायरमेंट को कैसे बचा के रखेगा. अब आपके बदलने से शायद लोग देखा देखिए मैं आपके आपके परिवार के लोग ही बदल जाए तो देर इज ह्यूज सेविंग्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज एनवायरमेंट के प्रति जैसे ही आप कॉन्शियस होना शुरू होते हो, आपका लाइफस्टाइल कॉस्ट कम होना शुरू हो जाता है. इंस्टेंट बेनिफिट मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एनवायरमेंट कि आपके करने से आपको क्या फर्क पड़ा और एनवायरमेंट को क्या फर्क पड़ा. तो एनवायरमेंट में इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कि इंस्टेंटली कोई चेंज तो नहीं आएगा, बट अगर आप कॉन्शियस हो जाएंगे तो यह दावा है कि आपका लाइफस्टाइल कॉस्ट कम हो जाएगा. अगर आप टाइमली इलेक्ट्रिक स्विचेस ऑफ कर देते हैं और टाइम से ही ऑन करते हैं, वेस्ट नहीं करते, इस रूम से उस रूम जाते वक्त वेस्टेजेस नहीं करते हैं, बल्ब यूज नहीं करके आप एलईडीज ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका इफेक्ट ये आता है कि इलेक्ट्रिक बिल ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड रहता है. एसी 10 मिनट चलाइए फिर बंद कर दीजिए, ये नहीं कि सारा रात मेरे को तो नींद नहीं आता है, मुझे तो एसी चाहिए ही चाहिए. तो वो सब जो है ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को तो दूषित कर ही रहा है. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस लिटिल बिट, चलो थोड़ा तो एनवायरमेंट को भी बचाए. और उसका एडवांटेज यू नो बचा रहे आप एनवायरमेंट को, वरदान मिल रहा आपको अपने कॉस्टिंग पे. दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर. अब तो और भी जैसे 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 हम लोग अपलिफ्ट हो रहे हैं ना लाइफस्टाइल में, वैसे वैसे आप देखिए हम लोग वापस बैकवर्ड ही जा रहे हैं. कि अपना आजकल क्या रईसों का सिस्टम क्या हो गया, अपने घर के गार्डन में ही खाना उगा लेते, वेजिटेबल्स उगा लेते, ये सब ऑर्गेनिक फूड है.
ऑर्गेनिक फूड मॉल्स में भी मिलता है, वो बोलते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह मिनिमम यूज होते हैं, जिससे कि वो नेचुरल ग्रोथ में जो दे पा रहा है वो ले रहे हैं, उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, तो बहुत लोग अपने ऑर्गेनिक फार्म हाउस बना रखे हैं। ये सब क्या है, एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट करना। अच्छा चलिए मानते हैं, चलिए आप एनवायरमेंट में कुछ चीजें रोक नहीं सकते, आपको एमिशंस करना ही होगा। जैसे मेरे केस में मैंने कार लिया, कार से आता जाता हूँ, अकेले ही चला रहा हूँ, तो कभी कभी लगता है कि यार क्या कर रहे, दो तीन लोग हो तो अच्छा है, इसलिए रास्ते में कुछ स्टूडेंट मिलता है ना, मैं रोक लेता हूँ, चलो मेरा थोड़ा सा योगदान हो गया। कभी भी कोई भी मिलता है, मैं देखता हूँ कुछ जाना पहचाना है कि एक बार रोकू क्या, आ जाए तो अच्छा, एक बैलेंसिंग होगा थोड़ा सा। मेनी टाइम्स जब आप कॉन्ट्रीब्यूट करना रोक नहीं पाते, तो लोगों ने बुद्धि दिया कि आप बैलेंसिंग करो बाई शेयरिंग इट, और रिवर्स करो बाई प्लांटिंग ट्रीज। आप कार्बन एमिशन करो तो ट्री प्लांट कर दो, तो ट्री प्लांट करने से आपका हिस्सा बैलेंस हो जाता है, बिकॉज ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर। तो अगर आप एमिट कर रहे हैं तो उसको बैलेंस कर दीजिए, तो आप ट्री प्लांटेशन करिए, कम से कम अपने घर में एक पौधा तो रखिए कि घर का बैलेंसिंग तो हुआ। तो हमारे टेरेस पे तो हमने पूरा सजा रखा है, बहुत सारे नहीं है, 15-20 है, तो 15-20 है तो हमारा तो बैलेंसिंग चल ही रहा है ना, तो अब हम तो फ्री है थोड़ा सा यूज करने के लिए। ऐसे अपने लिए क्रेडिट इकट्ठा करिए, फिर वो क्रेडिट को यूज करती रहिए। अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जब इंडस्ट्री चलाते हैं तो पॉल्यूशन होगा ही, यू कैन नॉट अवॉइड इट, एनवायरमेंट पर अफेक्ट आएगा ही, तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि आप कितना पॉल्यूशन गवर्नमेंट एनवायरमेंट में आपको परमिट किया जा रहा है, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू दिस इंडस्ट्री, आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा एमिट कर नहीं सकते। तो सारा इक्विपमेंट का मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे और आपका चेक करके देंगे कि इससे आपका इतना एमिशन हो रहा है, तो मान लीजिए 80,000 टन्स का परमिशन दिया गया उनको रेगुलेटरी बॉडी से, बट सारे इक्विपमेंट्स का सारा पॉल्यूशन नॉर्म्स वगैरह चेक किया गया, एमिशंस कंट्रोल चेक किया गया, तो वो पता चला 1 लाख आ रहा है। तो 1 लाख जब आ रहा है तो 20,000 आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप पेड़ लगा दो, बैलेंस करने के लिए कोई लैंड जो मान लीजिए कॉन्टेमिनेट हो गया था उसको रिहैबिलिटेट कर दो, आप एनवायरमेंट को वापस कुछ दे के जाओ, वो आपका सीएसआर इनिशिएटिव में भी आ गया एक तरह से, वो भी जरूरी है, आपको पता है सीएसआर इनिशिएटिव में भी आ गया, वो कंप्लायंस भी हो गया प्लस एनवायरमेंट बैलेंसिंग भी हो गया, मतलब 2 इन 1 जॉब हो गया। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो जो कंपनियां बहुत अग्रेसिवली मान लीजिए एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, जैसे ट्री प्लांटेशन बहुत ज्यादा कर रही है, या जो कंपनियों को रेगुलेटरी बॉडी से वही 80,000 टन्स का ग्रांट मिला था बट वो यूज 50,000 ही कर रही है, बिकॉज उन्होंने बहुत अग्रेसिवली सोलर पावर पे इन्वेस्ट कर लिया, बहुत अग्रेसिवली ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पे, रिसाइकलिंग पे दिमाग लगा लिया, रिहैबिलिटेशन पे दिमाग लगा लिया, तो उनका यूसेज पूरा होता नहीं जितना उनको मिला है, तो उनके पास 30,000 का क्रेडिट है, वो क्रेडिट वो बेच सकते हैं, आप उनसे ले लो, आप अपना पेपर में ले आओ। उसका कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा कार्बन क्रेडिट, ये पूरा एक मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट, इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, इसका ट्रेडिंग होता है, इसका सेकेंडरी मार्केट है पूरा, ब्रोकर्स होते हैं जो दिलवाते एक दूसरे से। एक क्रेडिट में 1 टन मिलता है, 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर, एंड उसका वैल्यू है 4 से 5 यूरो, 1 यूरो 100 रुपए का मान लेते हैं, 70-80 रुपए का होता है उसका वैल्यू है। तो वो जो कंपनी ने अपना एमिशन को यूज नहीं किया, या जिसने एनवायरमेंट को पॉजिटिव इंपैक्ट दिया उसके पास क्रेडिट आ गया, वो क्रेडिट आप उनसे परचेज कर सकते हैं। और अभी बोल रहे जिसने जिन्होंने जिन्होंने कार्बन क्रेडिट में इन्वेस्ट कर रखा था वो सबको बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो ये अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? हाँ सोचो, ऐसी वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? इन्वेस्टर लोग जो कार्बन क्रेडिट में इन्वेस्ट करके रखे थे कि किसी को जरूरत होगा तो बेच देंगे, वो बिक नहीं रहे,
कार्बन क्रेडिट मार्केट में लॉसेस जनरेट हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, क्यों? बिक नहीं रहे क्रेडिट, मतलब जिनको चाहिए वो अपना जुगाड़ खुद बैठा रहे हैं, करेक्ट? वो लोग अल्टरनेटिव सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसाइकलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ी इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कंपनियां क्या करने लगी, जहां पे फैक्ट्री है वहां पे अगर उनको मान लीजिए उस फैक्ट्री को बैठाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना है तो वो लोग पैरेलली कहीं जाके फॉरेस्टेशन कर देती है, मतलब वापस ट्री प्लांटेशन कर देती है, या फिर अपने फैक्ट्री में इतने प्लांट्स एक एरिया को लगा के वापस बैठा देती है, जिससे कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो गया और फैक्ट्री भी बन गई और बैलेंसिंग भी हो गया। तो वो सब का एक नॉर्म्स है, जैसे कार्बन क्रेडिट एक्चुअली जापान का इनिशिएट किया हुआ है, जब उसका एक नाम था, एक अग्रीमेंट साइन हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, जापान ने इनिशिएट किया था, जिसको फिर यूनाइटेड नेशंस में जितनी कंट्रियां हैं 184 कंट्रीज एफिलिएटेड है, तो 184 कंट्रीज अग्री की कि हम लोग वो नियम को फॉलो करेंगे, कार्बन क्रेडिट के नॉर्म्स को। तो कार्बन क्रेडिट में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड का कार्बन एमिशन का एक लेवल सेट किया कि इससे ज्यादा वर्ल्ड में एमिशन नहीं होना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशंस के हिसाब से उसको डिफरेंट कंट्रीज में एलोकेट कर दिया कि हर कंट्री का एक बेंचमार्क है, इससे ज्यादा कार्बन एमिशन उसके पास नहीं होना चाहिए, उसके रेगुलेटरी बॉडी को वो फॉलो करने के लिए बोल दिया गया और उनको रिपोर्टिंग करने बोला जाता है। तो उस कंट्री के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एलोकेट कर दिया, और डिफरेंट इंडस्ट्री में आने के बाद हर कंपनी को एलोकेट कर दिया। तब हर कंपनी को अपना एक बेंचमार्क लेवल दिया गया, उससे ज्यादा आप एमिट नहीं कर सकते, अगर एमिट करते तो बैलेंस करो, और बैलेंस नहीं कर सकते तो खरीदो, और खरीदने के लिए आप विद इन द इंडस्ट्री खरीद सकते हो, आउटसाइड द इंडस्ट्री खरीद सकते हो, आउटसाइड द इंडस्ट्री जाके आउटसाइड द कंट्री भी खरीद सकते हो, अलाउड है, ट्रेड कहीं पे भी होता है। इंडिया का क्रेडिट यूरोप में बिकता है, क्यों? इंडिया में कम है ना, 1 टन का ही एमिशन है, यूरोप में बहुत ज्यादा है, तो इंडिया का क्रेडिट यूरोप में बिकता है, इसलिए तो यूरो में कोटेशन मैंने बताया, बहुत बिकता, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। कार्बन क्रेडिट के ऊपर हो सकता है सिलेबस में मॉडिफिकेशन लाके लोग कार्बन क्रेडिट का अकाउंटिंग सिखाने वाले के बाद थी, अकाउंट्स में आया कि नहीं आई डोंट नो, कार्बन क्रेडिट अकाउंटिंग पूरा आने का बात था, कार्बन क्रेडिट पे SFM में ट्रेडिंग लाने का बात था कि ट्रेडिंग कैसे होता है वो एज एन इन्वेस्टर आप देखे, कार्बन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बट उतना डेप्थ में अभी आया कि नहीं वो आपके रेस्पेक्टिव सर आपको बताएंगे। तो कार्बन क्रेडिट में क्योटो प्रोटोकॉल इज बेसिकली इनिशिएटेड बाय जापान, जापान का एक शहर है क्योटो, टोक्यो का ही रीशफलिंग है, बट एक नाम है क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने फिर इम्प्लीमेंट करवाया, और ये ज्यादा पुराना चीज भी नहीं। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है आपको पता है क्या? बहुत सारा आप जगह देखते हैं ना, ग्रीन बिल्डिंग, आवर बिल्डिंग इज ग्रीन बिल्डिंग, सेक्टर 5 में जाइए मैक्सिमम बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग बोले जाते हैं। क्या होता है ग्रीन? मतलब दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंट। नाउ हाउ? इधर दे डोंट अलाउ एनी एमिशन बाय पब्लिक देयर, दैट इज वहां पे स्मोकिंग बैंड होगा या स्मोकिंग जोन होगा, वहीं पे जाके कर सकते हैं। दूसरा, वहां पे जो बिल्डिंग के वेस्ट होते हैं ना वो डायरेक्टली एनवायरमेंट में रिलीज नहीं किए जाते, जितने वेस्ट होते हैं उसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। बिल्डिंग वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया वापस, उससे बिल्डिंग का कॉमन पैसेज का लाइटिंग हो गया तो ग्रीन बिल्डिंग हो गया। मतलब उस एक बिल्डिंग का भी कार्बन फुटप्रिंट होता है कि इस पूरे बिल्डिंग से इतना कार्बन एमिट होता है इतना बड़ा एरिया से। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या करता है कि वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर रहा है, एंड रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है बाय रिसाइकलिंग द वेस्ट प्रोड्यूस इन द बिल्डिंग इनटू एनर्जी। बोलते जितना भी एमिशंस है वो किस लिए हो रहा है, दो तरह का बेसिकली साधन होता है। एक होता है कि आप नेचुरल जो रिसोर्सेज है जैसे कि पेड़ पौधे उसको यूज करके जो
चीज करना चाहते हो आप करो, ठीक। वो एक नेचुरल फ्यूल बोलते हैं उसको, और एक दूसरा होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है मालूम है क्या? पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल, मतलब डिकेड प्लांट, डिकेड ह्यूमन बॉडीज और एनिमल बॉडीज जब बरी किए जाते हैं तो वो सॉइल उनको इतना एब्जॉर्ब अंदर तक कर लेता है कि उनका एक फ्लूइड कार्बन में कन्वर्ट होकर फ्यूल बन जाता है। तो पेट्रोलियम इज नथिंग बट दैट थिंग ओनली, इट इज अ फॉसिल फ्यूल। मतलब जितने पॉल्यूशन आ रहे हैं, फॉसिल इज नथिंग बट अ बंच ऑफ कार्बन, उसको बर्न करने से एनर्जी मिल रहा है बट एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट हो रहा है। तो जहां पर भी फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन होता है जिस भी मैकेनिज्म में, वहां पे एनवायरमेंट पे अफेक्ट आएगी। एंड द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज पेट्रोल। पेट्रोल जहां पे भी यूज हो रहा है, पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जहां पे भी यूज हो रहे हैं, वहां पे कार्बन एमिशन है ही। तो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन को कम करना है। अगर वो कम होता है तो उसका उपाय है आप अल्टरनेटिव सोर्सेज में आइए, सोलर पैनल लगाइए, न्यूक्लियर पावर यूज करिए, विंड पावर यूज करिए। तो वो सब के कारण फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो अपने आप एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम होगा। एक मूवी मैंने देखा था, मूवी का नाम भूल गया मैं, एनिमेटेड मूवी था एक, उसमें दिखा रहा था एनवायरमेंट के प्रति, मतलब अमेरिका में कितना दूर तक सोच सोच के हॉलीवुड में मूवी बना लेते हैं कि मान लीजिए 2040 आ गया, 2040 आ गया, 2040 ऐसा कुछ ईयर उसमें दिखा रहा है। तो उसमें पूरा विश्व का हालत क्या हो गया, इंसान जो थे सारे के सारे मोटे हो गए खा खा के। हाँ मॉली, वॉली, हाँ वॉली, वो रोबोट वाला, रोबोट वाला मूवी वॉली, VOLLY, देखा है क्या? मस्त मूवी है, आप लोग भी कभी हो तो देखिएगा, VOLLY। वो वॉली एक रोबोट का नाम है, क्या स्पेलिंग था? VWA वॉली, वॉली, मुझे इस नाम याद नहीं था, बट ये मूवी इतना सुंदर कि सब इंसान मोटे हो गए और इंडिया बोल रहे हैं, वर्ल्ड इतना गर्म हो गया है, टेम्परेचर यहाँ पे इतना हाई हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि इट इज नॉट एनी मोर सुटेबल टू लिव ऑन अर्थ। तो पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन मार्स, मार्स पे जाके वो सेटल हो रहे, और मार्स पे जान सारा कुछ मतलब ऐसा बना लिए कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ है, मतलब आपको उठ के कुछ भी नहीं करना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपके पास एक सीट है, वो बटन दबाइए वो न्यूज़पेपर ला देगा। आपको खाना खाना है, आपको एक बटन दबाना है, वो आपको खाना का टेबल तक ले जाएगा, वहां जाके खाना खा लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है वहां पे, वैसा दिखा रहा है सब एनिमेटेड मूवीज। और फिर उस समय वर्ल्ड का हालत, अर्थ का हालत ये दिखा रहा है कि सिर्फ कॉकरोच जिंदा है, एक दो कॉकरोच दिखाए, और सिर्फ सब चीज डिवास्टेट हो गए, तो लोहा लक्कड़ बहुत सारे पड़े, स्क्रैप यार्ड बन गया, आप समझ लीजिए पूरा अर्थ स्क्रैप यार्ड बन गया। तो इंसानों ने क्या किया, कुछ रोबोट्स बना के छोड़ दिए जो स्क्रैप यार्ड से काम की चीजें निकाल निकाल के तैयार कर देगा कुछ सामान जो इंसानों के वहां पे काम आएगा। तो उसी में दिखा रहा है कि एक रोबोट है जिसका नाम है वॉली, और उसको एक दूसरे गर्ल रोबोट से प्यार हो गया है, और वो कैसे, मतलब बोले इंसान तो रहे नहीं रोमांस करने के लिए, अब रोबोट में रोमांस दिखा रहा है, और वो कितना इमोशनल होके उसका ध्यान रखता था, वो क्या क्या करता था, और फिर उसको लेके इतना सुंदर पिक्चराइजेशन है वो। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर वो मूवी देखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी। एनीवेज कार्बन क्रेडिट की ज्ञान आपको मैं समझा दिया सारा तरफ से, चारों तरफ से आपको भी जागरूक कर दिया। अब आ जाते हैं चैप्टर में क्या सीखना हमें चाहिए, जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब टॉपिक सिखा रहा है, ठीक है। इफ यू डोंट गेट कॉन्शियस अबाउट योर एनवायरमेंट देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द चैप्टर, दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव। मैंने ये देखा है चैप्टर पढ़ के कि जब तक मैं एनवायरमेंट के चारों
तरफ के एस्पेक्ट्स को न समझूं, मैं नहीं समझूं ग्रीन बिल्डिंग क्या है, मैं नहीं समझूं अगर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मैं नहीं समझूं कार्बन फुटप्रिंट क्या है, मैं नहीं समझूं कार्बन क्रेडिट क्या है, तो मैं ये चैप्टर कैसे समझाऊं। तो जब तक ये बेसिक चीज आपके दिमाग में न बैठे आपके तरफ से पर्सनल नॉलेज के तरफ से, तब तक इस चैप्टर की भाषा ही नहीं समझ में आएगी। ये चैप्टर जो सजेशंस लेके आएगा वो इसी पॉइंट पे लेके आएगा कि आपके बिजनेस में ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके बिजनेस में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके बिजनेस में एनर्जी एमिशंस फॉसिल फ्यूल से जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो फॉसिल फ्यूल से होते हैं उसको कम करने के लिए आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज में जाना पड़ेगा। तो ये सभी सजेशन बन के आने वाले जो मैंने आपको आपके लेवल पे उतर के सिखाया, अब आप उसको कॉर्पोरेट लेवल पे अप्लाई करना का सोचोगे। जो इंसान की जिंदगी में वही कंपनियों की जिंदगी में, बस उनके यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट होते हैं और मैसिव कॉस्ट होते हैं। आपके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा कॉस्ट है, बट उनके लिए सब कुछ ह्यूज अमाउंट में ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग एंट्री मार रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 4.38 में है। इसका चार्ट आप बनाएंगे, आइए कॉपी में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला लिखिए इंट्रोडक्शन, लिखिए लिखिए, पहला लिखिए इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, कॉपी में लिखिए इंट्रोडक्शन। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आपको दे दिया। इंट्रोडक्शन में मुझे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बताना था, आप वो सब का लिस्ट लिखे तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी सर से आपने सीखा। इंट्रोडक्शन में मैं कॉन्शियस कर दिया आपको भी एनवायरमेंट के प्रति। ओके, तो पहला पॉइंट लिखिए जो जो आपको ध्यान रखना है, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, इंट्रोडक्शन रिलेटेड पॉइंट्स बता रहे। पहला पॉइंट है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोलियम। दूसरा इंट्रोडक्शन रिलेटेड बात में आपको कार्बन फुटप्रिंट समझाया गया। कार्बन फुटप्रिंट, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर पर्सन पर ईयर। ओके, देन कार्बन क्रेडिट समझाया गया, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट इज द अलाउड एमिशन, हु विल अलाउ। मैंने क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू किया, यूएन से शुरू किया, यूएन से बांटा डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से डिफरेंट कंपनीज में, सबको एक अलाउेबल लिमिट होता है। अगर आप वो अलाउेबल लिमिट में काम नहीं कर पा रहे तो आप रिहैबिलिएट करिए, और रिहैबिलिएट भी नहीं कर पा रहे तो दूसरों से खरीदिए जिनके पास सरप्लस है। ठीक, फिर मैंने आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया, ग्रीन हाउस इंपैक्ट, ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाया, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग। वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर अभी क्या चल रहा है पता है, पंद्रह डिग्री, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 डिग्री होने वाला है। जितना गर्म होगा उतना बुरा होगा कि अच्छा होगा, बुरा होगा, उतना बुरा होगा, क्योंकि जितना गर्म होगा, अच्छा वो अच्छा भी एक तरह से विंटर्स में प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, बट विंटर्स बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। विंटर्स में ज्यादा अगर वो प्रोटेक्शन दे देगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, तो सांस नहीं ले पाओगे। विंटर्स में देखना सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन की कमी, गर्म महसूस भी हो रहा है ना तो भी ऑक्सीजन की कमी लगती है, लगता है सांस नहीं आ रहा है। बुजुर्गों का सबसे ज्यादा डेथ भी विंटर्स में दिखाई देगा आपको, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनवायरमेंट अजीब सा हो जाता है, वो लोग सह नहीं पाते। हम लोग यंगस्टर्स को तो फिर भी
काम चलाना आता है, हमारा बॉडी अडेप्ट कर लेता है, बट बुजुर्गों का बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाता। बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है विंटर्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड ऑक्सीजन क्यों कमी हो रही है, क्योंकि हार्मफुल गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो सब कवर कर लिया, ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं होने दे रहे। बोलते हैं अर्थ विल बिकम 2% मोर वार्मर बाय 2020, जितना है उसे और 2% गर्म हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट जहां पे होते हैं वहां पे ठंड नहीं आती उतनी, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि वो वातावरण ही गर्म रहता है बिकॉज ऑफ एमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में बताया। आपको पता है गूगल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसर्स में प्रिंटिंग लेना एक पनिशमेंट हो गया। प्रिंट क्यों किया, डिजिटल हो ये, प्रिंटिंग हैज बिकम अ पनिशमेंट। मतलब इंसेंटिव कार्ड देंगे आप कितना प्रिंट किया उसके बेसिस पे। गूगल ने अभी हाल फिलहाल में अपना एक ऑफिस बनाया जिसमें इंटेंशनली ऑफिस का एकदम ऐसा कॉर्नर पे जाके प्रिंटर को बैठाया जहां तक लोगों को जाने में इतना समय और आलस आ जाएगा कि प्रिंटिंग का पेपर का जरूरत ही खत्म हो जाएगा। और प्रिंटिंग मशीन ऐसा बैठाया जिसमें इम्प्लॉई कार्ड आप जब वहां पे शो करोगे, बेसिकली वहां पे डिस्प्ले में लगाओगे तो वो प्रिंट देगा। मतलब किस इम्प्लॉई ने कितना प्रिंट किया उसका डेटा कैप्चर कर रहे हैं। आप लोग ऑफिस में ऐसे ही प्रिंट आउट मार लेते तो गूगल ऑफिस होता तो निकाल देता आपको। प्रिंट करना ही क्यों है, सेव पेपर, कॉन्ट्रीब्यूट करो एनवायरमेंट के लिए, डिजिटल हो ही। आप गूगल जैसी कंपनी में काम करके भी प्रिंट कर रहे हो, डिजिटल कंपनी में काम करके तो समझ में नहीं आता भी। हम लोग भी जैसे यहां पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते देखिएगा विजुअलाइजर पे। विजुअलाइजर मतलब समझते हैं क्या, वो एक डिवाइस है जिसमें यहां पे ऐसे कैमरा लगा हुआ है, उसमें कॉपी में लिखते हैं तो वो कैमरा से हाथ के साथ प्रोजेक्ट होता है। अभी मेरा प्रोजेक्शन में हाथ तो नहीं आता, मेरा हाथ तो यहाँ पे है, वहां पे जब मैं लिखता हूं तो सिर्फ आपको जैसे यहाँ पे कुछ लिखा तो आपको राइटिंग ही दिख रही है, मेरा हाथ थोड़ी दिख रहा है। तो विजुअलाइजर क्या करेगा, वो जो उसके नीचे है उसको प्रोजेक्ट कर देगा। तो बहुत सारे टीचर उसको यूज करते, होता क्या उसे पता है, कॉपी पे कॉपी वेस्ट नहीं होता क्या, जिसपे पढ़ाया वो कॉपी पे तो लिखा, पेज पे तो लिखा, वो पेज क्या काम का, वो कॉपी क्या काम का। तो जैसे आपका 6 कॉपी भरता है, सर लोग पढ़ाएंगे तो उनका तो 15 कॉपी भरेगा, क्योंकि उनको तो कई दफे एक्सप्लेनेशन देने हैं, मार्किंग करना है, ये करना है। और एक बैच में 15 कॉपी, तो इमेजिन करिए ऊपर से एक ही तरफ लिखते इस तरफ लिखते नहीं, कारण कि उसका इंप्रेशन से आपको पढ़ने में नहीं आएगा। तो इमेजिन करिए ना, एनवायरमेंट के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को आप डिग्रेड कर रहे हैं। इसलिए सतीश सर तो डिजिटल है। अभी देखो अपन कैसे लिखते हैं, आप लोगों को मैट देने में भी परहेज कर दिया कि डाउनलोड कर लो वहां से पढ़ो। अब कई बच्चे डाउनलोड करके कुछ क्लास तो किए फिर वो गायब हो गए, क्यों, क्योंकि हैबिट नहीं, कष्ट हो रहा है। अब वो हैबिट डालिए, एनवायरमेंट को बचाइए। भाई अभी आप लोग जैसे ट्रैवलिंग कम करके ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर कर रहा है ना, तो जो लोग पेनड्राइव क्लास ले रहे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे कर ही रहे ना, इतना आना जाना नहीं, कितना कार्बन एमिशन बचा रहे, घर पे ही बैठ के पढ़ ले रहे, कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे। ऑनलाइन क्लासेस हो तो पेनड्राइव का प्रोडक्शन पे अफेक्ट आएगा। एक और होता है ना, जो यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं उसमें तो पेनड्राइव भी नहीं ले रहे, तो पेनड्राइव नहीं ले रहे तो पेनड्राइव फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कार्बन एमिशन रोका आपने पेनड्राइव बाय नहीं करके, आप ऑनलाइन सर्फिंग में देख लोगे। तो दैट्स हाउ यू आर डूइंग योर जॉब बेसिकली। आई एम डूइंग माय जॉब, आई जस्ट आस्क्ड यू टू ऑर्डर ऑनलाइन। क्यों, क्योंकि मैंने बुक ऑर्डर ऑनलाइन करना इसलिए इंसिस्ट भी किया कि मैं जेरोक्स कराता, सोचिए कितना जेरोक्स मशीन कार्बन एमिट करता, प्लस कितना पेपर, और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट से आज नहीं तो कल बुक मिलता और वो कम पेपर में हो जाता। इमेजिन करिए कार्बन का कंट्रीब्यूशन मैं कितना सारा बच्चा लोग से करवा दिया।
आपका फुटप्रिंट कम करा, आपके ऊपर कलंक कम लगा, चलिए ठीक। नंबर टू, एनवायरमेंटल कॉस्ट, इसमें जगह ज्यादा रखिएगा। इसमें चार कैटेगरी है, पहला कैटेगरी लिखिए 2A, एनवायरमेंटल कॉस्ट में नंबर ए, इसको समझाने वाले थे यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यूएस ईपीए। नंबर बी, इसमें चार नाम आएंगे, फोर टाइप्स लिख देते हैं, फोर टाइप्स भी लिख देते हैं। नंबर वन, कन्वेंशनल कॉस्ट, आप सबके लिए दो दो लाइन छोड़ते जाएंगे, कन्वेंशनल कॉस्ट के बारे में यहां लिख लेंगे। नंबर टू, हिडन कॉस्ट। नंबर थ्री, कंटिंजेंट कॉस्ट। नंबर फोर, रिलेशनशिप कॉस्ट। नंबर बी, यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म लिखिएगा, यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने दो टाइप बताया, नंबर वन यूनाइटेड नेशन डिवीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोचिए कहां कहां जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी यूएस जा रहे हैं, कभी यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, जापान वपान अमेरिका तो घुमा ही दिया मैंने, नहीं तो बैठे थे हम लोग खाली खेती बाड़ी का पढ़ाई करते थे, ज्यादा से ज्यादा एक दो बगल बगल का फैक्ट्री समझ लेते थे। लोकलाइज से इंटरनेशनल हो गया हम लोग। प्रोटेक्शन कॉस्ट नंबर टू, कॉस्ट ऑफ वेस्ट, कॉस्ट ऑफ वैसे लिखो वेस्टेड मटेरियल कैपिटल एंड लेबर। नंबर सी, जनरल प्रैक्टिस, इसमें दो टाइप है, एक है इंटरनल कॉस्ट, दूसरा है एक्सटर्नल कॉस्ट। नंबर डी, नंबर डी हैंसन एंड मेंडोजा, ये दो जन थे जिन्होंने एनवायरमेंट के प्रति लोगों को जगाया, टीक्यूएम में जो सीखा था ना उसके जैसा है। चार टाइप याद है टोटल क्वालिटी कॉस्ट का? राइट, एकदम सही। तो पहला नाम है एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा नाम है एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट अप्रेजल कॉस्ट, तीसरा नाम है एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट, चौथा नाम है एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट।
ठीक है. नेक्स्ट ये हुआ नंबर टू, इन्वायरमेंटल कॉस्ट की पढ़ाई. मेन तो यही पढ़ना था आपको, आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल कॉस्ट ही सीखेंगे सबसे अच्छे से. नाउ नंबर थ्री, थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं. थर्ड पॉइंट इज टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल कॉस्ट. टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल कॉस्ट. टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल कॉस्ट. नंबर वन, इसमें फोर टेक्निक्स है, यहां लिख दीजिए फोर टेक्निक्स. नंबर वन, इनपुट आउटपुट एनालिसिस. इनपुट आउटपुट एनालिसिस जगह छोड़िए. नंबर टू, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग. नंबर थ्री, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. नंबर फोर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. नेक्स्ट नंबर फोर, ये थर्ड पॉइंट हो गया टेक्निक्स के बाद. नंबर फोर, कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट. कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट. इसमें ऐसे ही छोटा सा जगह छोड़ दिया, चार पांच लाइन का. फिर अच्छा इसमें भी आप सात आठ लाइन छोड़ के रखो. कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल कॉस्ट में जैसे एग्जांपल लिया जा सकता है, एग्जांपल जैसे कि वाटर कंजम्पशन कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें नंबर वन एग्जांपल. नंबर टू एग्जांपल, आप एनर्जी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे. नंबर थ्री, आप ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल के कॉस्ट को कैसे कम करेंगे. चार केस स्टडी आप ऐसा समझ लीजिए. नंबर फोर, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे कम करेंगे. चार एग्जांपल आपके परव्यू में रखे गए हैं यहां पे. फिफ्थ, रीजंस फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट. अच्छा, इसमें हाउ टू का बात आ रहा है. कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट जब आप पढ़ रहे हो तो द कंसर्न हियर इज हाउ टू कंट्रोल. और इधर क्यों करना है, व्हाई, व्हाई शुड वी कंट्रोल. नेक्स्ट नंबर सिक्स, फाइव मेजर रोल्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Related with environmental cost. ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्या चीज में योगदान करेगा, उसका फाइव मेजर रोल है. तो पांच पॉइंट लिखने का जगह छोड़िए. सात, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Advantages and disadvantages of environmental management accounting, जिसमें obviously advantages के points आएंगे और disadvantages के points आएंगे. तो इसका हम जगह छोड़ दिया, आप बाद में इसको fill up करेंगे.
आप लोग पूरा चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं ना? हाँ, बाद में कुछ याद नहीं रहेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर क्लास के बाद टाइम मिलता है, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ रहते हैं आप लोग, तो उस समय का सही यूटिलाइजेशन क्या चीज में है कि इसी को कंप्लीट करके चले जाना, कि आपकी पढ़ाई यहीं पे खत्म हो गई। और नहीं रुक रहे तो घर जाके आज ही खत्म करना है, कल तक में भी भूल जाएंगे, फिर वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, पूरा मेथडोलॉजी वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए घुसते हैं पहला पार्ट में। एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताएं कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कर रहा था, वो हम लोगों को और कॉरपोरेट्स को एनवायरमेंट के प्रति कॉन्शियस बना रहा है। ठीक है, अब कॉन्शियस बनाने से तो खाली चलेगा नहीं, खाली कॉन्शियस होने से क्या होगा? जैसे आप कोई सिगरेट पीता, आप उसको कॉन्शियस बना दीजिए, तुमको पता है तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हारे लंग्स में टार जम रहा है, तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है, तुम कॉन्शियस कर दिए तो फायदा क्या हुआ? वो बोल रहा हाँ पता है, वापस पी रहा है, और आप भी बोलना बंद कर दिए, अब क्या फायदा हुआ? कॉन्शियस करके, कॉन्शियस करके उसका बेनिफिट लेना है। बेनिफिट लेना है क्या कि एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उसको कम करना है, करेक्ट? और उसको कम करोगे ना तो फायदा क्या मिलेगा पता है? आपके कॉस्ट कम हो जाएंगे। आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को कम करिए तो आपके यहाँ के कॉस्ट कम होने लगेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे ईएमए की पढ़ाई का कि आप वो कॉस्ट को पहचानिए पहले, जिसके कारण एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। एंड जो एक एकदम प्रधान यहाँ पे मुद्दा बन के बैठा हुआ है, एक समस्या बन के बैठी हुई है कि एनवायरनमेंट रिलेटेड कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत टफ है। मेजॉरिटी ऑफ एनवायरनमेंट कॉस्ट आर हिडन कॉस्ट, मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कॉस्ट दैट इज अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। वी अंडरस्टैंड दैट इन अ कंपनी दिस इज एन ओवर हेड। मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कॉस्ट कम इन द नेचर ऑफ ओवर हेड्स। तो आपको अपने ओवर हेड्स का बहुत फ्रैगमेंट करना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर ओवर हेड था जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहां पे जो हमने बताया था ना, यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का क्लासिफिकेशन, जिसमें ये हिडन कॉस्ट पॉइंट रखा गया था, ये संगीन मुद्दा है इस चैप्टर का कि मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कॉस्ट आर यूजुअली हिडन इन नेचर। वो हिडन कहां पे है? ओवरहेड्स में घुसा हुआ है। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपका काम ये बनता है कि उस कंपनी का ओवरहेड का डिटेल्ड एनालिसिस आप करें। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये चार तरीका मैंने लिखा ना, इनपुट आउटपुट एनालिसिस करे, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग करे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करे, एबीसी करे, ये सब ओवरहेड्स को रीएनालाइज करने के तरीके हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हिडन एनवायरमेंट कॉस्ट है वो आपको दिखेगा, और उसको खोज के कम करेंगे तो एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट कम होगा और आपका सेविंग्स आना शुरू होगा। जो प्राइम फोकस है इस चैप्टर का वो यही है। एक और चीज ध्यान रखिए, जैसे एनवायरमेंट का इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ते हो तो मेनी टाइम्स वी अंडरस्टैंड कि हमारे लिए कॉस्ट है तो एनवायरमेंट पे कॉस्ट होगा, मतलब वी अंडरस्टैंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं पेट्रोल खरीद रहा हूं तो मेरे लिए कॉस्ट है, तो पेट्रोल बर्न होगा तो एनवायरमेंट पे कॉस्ट है। वी अंडरस्टैंड कि मैं कर रहा हूं तो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट है, बट एक यूनिक चीज है एनवायरमेंट को रिलेटेड कि समटाइम्स यू मे नॉट बी इनकरिंग एक्चुअल कॉस्ट फॉर समथिंग, बट देर इज अ कॉस्ट ऑन एनवायरमेंट विच इज बोर्न बाई नॉट यू बट बाई द सिटीजन्स बट बाई द गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम्पल, आप एक सामान खरीदे प्लास्टिक में, आप प्लास्टिक का कुछ अलग से पेमेंट किए नहीं, तो आपके लिए तो कॉस्ट है नहीं। फिर आपने वो प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक दिया, जाओ एनवायरमेंट समझे हमको क्या करना, तो
तो अब आपने फेंक दिया, तो राइट फ्रॉम पिकिंग ऑफ दैट प्लास्टिक अंटिल इट्स यू कैन से डिस्पोजल, मतलब उसको तो क्या तो दफन किया जाएगा या तो फिर उसको बर्न किया जाएगा, आपने एनवायरमेंट पे कॉस्ट कंट्रीब्यूट कर दिया. समटाइम्स इट इज नॉट एन इंटरनल कॉस्ट बट इट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट. वहां पे आया ये जनरल प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट कि आप एनवायरमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जब सीखने आए हो तो इस चीज को समझो कि कॉस्ट कैन बी इंटरनल. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ इट इज इंटरनल देन ओनली इट विल बी एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मीन्स इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑन यू बट इट इज अ कॉस्ट ऑन एनवायरमेंट फॉर विच गवर्नमेंट इज पेइंग, फॉर विच अदर्स आर पेइंग. इफ नॉट यू आर पेइंग देन समवन एल्स इज पेइंग, देन इट्स एक्सटर्नल कॉस्ट. सो आप सोचते हो मैं किया तो वहां हुआ होगा, ऐसा नहीं है. कई बार आप नहीं भी करते तो वहां हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो वो इम्पैक्ट आपको समझना है. दैट कॉस्ट विच यू आर नॉट बियरिंग इज द कॉस्ट टू द एनवायरमेंट, दैट इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट. You have to think of reducing that cost also. That can be a CSR initiative in the short term, but in long term it has to give you a lot of benefits. Okay, ये सब introduction में लिखा हुआ है. इसका prime objective है कि आपका business sustainable होना चाहिए as regards from environment also. पहले आप अपना बिजनेस खाली सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बोल के चला रहे थे. फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद है, SCM का ऑब्जेक्टिव याद है कि टू गिव यू सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, दूसरों से बेहतर करो. बट ये चैप्टर एक और कॉन्शियसनेस जगा रहा है, दूसरों से बेहतर आप कर सकते हो बट एनवायरमेंट में भी आप सस्टेनेबिलिटी लाइए. अगर सस्टेनेबिलिटी लाएंगे तो आप अपना बिजनेस को हेल्दी कंडीशंस में ज्यादा समय तक चला पाएंगे. ये सारी बातें आपकी फर्स्ट पेज में यहां पे लिखी हुई है जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया. ठीक है, यहां पे सारी बातें लिखी हुई है और मैंने अपने तरफ से भी इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारा चीज बताया. वो इसलिए बताया कि वो सबका यूजेज आगे चैप्टर में जगह जगह पर है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में, वो सबका एप्लीकेशन भी आगे बात बात में आएगा. ठीक है, नाउ ये मेजर एरियाज ऑफ एप्लीकेशन मैं आपको बाद में बताता हूं. Now, ये आप मेनली यहां पे जो पढ़े हैं, EMA इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग. इसका काम क्या है? एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एंड सीक्स टू कंट्रोल दीज कॉस्ट. द फोकस ऑफ EMA, दिस इज फोकस ऑफ EMA, इज नॉट ऑन फाइनेंशियल कॉस्ट बट इट ऑल्सो कंसिडर्स the environmental cost or benefit of any decisions made. Focus of EMA is on not on own cost. I will say not on own cost. Own cost ko financial cost aap bol sakte hai. But on reducing environmental cost. Now environmental cost is the external cost that you don't bear. It is the external cost that you don't bear. But इट इज एक्सटर्नल कॉज दैट यू डोंट बियर बट एनवायरमेंट में कोई ना कोई उसको बियर कर रहा है. EMA aims to make a better use of or to modify sources of information and management accounting techniques and to evaluate, जो मेन पॉइंट है वो यहां पर आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. यू नो टिपिकली आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एनुअल रिपोर्ट में एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट सबमिट करती जिसमें वो बताती है कि वो कितने एनर्जी इफिशियंट रहे. एंड यू नो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का एक वो कमेंट होता है. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मालूम है आपको? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में दिया जाता है. डायरेक्टर्स बताते हैं कि हमने कंपनी को चलाने के लिए और क्या क्या किया. उसमें फाइनेंस के बारे में बात करते ही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते ही है, और उसमें एनवायरमेंट के ऊपर भी एक पॉइंट रखा गया है और उसका रेलिवेंट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करना चाहिए. इससे शेयर होल्डर्स में और एक फेथ जनरेट होता है. आप किसी भी कंपनी का वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पे जाके पढ़िए कि वो अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बना रहे और उसने एनवायरमेंट के लिए क्या क्या किया.
और ये लार्ज स्केल कंपनी का एक मतलब समझ लीजिए फड़का हो गया है या फिर एक बेसिक हो गया, आप कैसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ईएमए में ये आ रहा है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके आप क्या क्या फायदा ले सकते हो। ये मैंने ऊपर में एक पॉइंट लिखाया भी था ना आपको, फाइव एरियाज ऑफ फाइव मेजर रोल्स ऑफ ईएमए, ऐसा आपको बताया था ना, फाइव मेजर रोल्स, रोल ऑफ ईएमए इन प्रोडक्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग, एक ऐसा समरी में लिखाया था। सिक्स नंबर पॉइंट में क्या लिखाया था, हेडिंग क्या था, हाँ फाइव मेजर रोल, वो वापस से डिस्क्राइब होगा बाद में और उसी का यहाँ पे भी एक डिस्कशन है कि ईएमए का मेन एप्लीकेशन कहाँ पे, प्रोडक्ट प्राइसिंग में है, बजटिंग में है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट में है, सेविंग्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स और सेटिंग क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट में है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग इसलिए बोल रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको उसका वेस्ट को डिस्पोज करना अलाउड नहीं है, एनवायरमेंट इतना रिजिड है वहां पे, एनवायरमेंट पॉल्यूशन नॉर्म्स इतना रिजिड है कि आपको उसका वेस्ट को डिसमिनेट कोई बायोडिग्रेडेबल वे से ही करना पड़ेगा, आप उसको एनवायरमेंट में छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर वो प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन आएगा विच इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉस्ट, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। तो ईएमए का काम है कि वो उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उस प्रोडक्ट से लिंक करेगा और उस प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉस्ट में जोड़ देगा। कि जनरली आप क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट का कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और बाकी सब ओवरहेड्स। बट अब बोल रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट के कारण कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड स्पेसिफिक कॉस्ट आ रहा है तो वो उस प्रोडक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, तो उसके प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ना चाहिए, अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाना चाहिए। दैट इज हाउ ईएमए इज हेल्पिंग यू। इफ यू डोंट डू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग देन यू माइट डू अ मिस प्राइसिंग, ओके। देन बजटिंग, बजटिंग इज ऑब्वियसली प्लानिंग फॉर प्रॉफिट्स, हाउ मच यू वॉन्ट टू अर्न एंड इन दैट प्रॉफिट यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब वो एनवायरमेंटल कॉस्ट इंटरनल कॉस्ट है या एक्सटर्नल कॉस्ट है, जैसा भी है, जिसके लिए आप अमाउंट इनकर करोगे, आपके जो प्लान्स है, मे बी ट्री ग्रो करने के, मे बी कार्बन क्रेडिट खरीदने के, वो सब बजट में ले लेंगे आप। बजट में एक हेड होना चाहिए एनवायरमेंटल कॉस्ट के ऊपर, आपका क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है। तो इफ यू आर डूइंग प्रॉपर बजटिंग, आपको उसके लिए फंड एलोकेट करने में कष्ट नहीं होता बाद में। बजटिंग का फायदा क्या है कि जब ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसा क्राइसिस आएगा एनवायरमेंट रिलेटेड, आपको कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे, तो आप फिर पीछे नहीं हटोगे क्योंकि बजट में उसका एलोकेशन किया हुआ होता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब अगर कोई मान लीजिए नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो प्रोजेक्ट का कैपिटल बजटिंग करते वक्त, कैपिटल बजटिंग करते वक्त आपको उससे जुड़े हुए एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी कंसिडर कर लेने चाहिए। समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये टर्म समझ में आ रहा है, दिशा समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज कैपिटल बजटिंग के दौरान भी आपको ले लेना चाहिए। अगर एक ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको दिख गया जिसको आप लेके नया एक्सपेंशन प्रोग्राम सेट कर रहे थे, उससे एनवायरमेंटल कॉस्ट को कंसिडर करने के बाद एनपीवी नेगेटिव हो रहा है तो आप रिजेक्ट कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप एक प्रोडक्ट बना लीजिए, एक प्लांट लगा लीजिए और फिर जनरली क्या होता है कैपबज में आप सीखते हैं ना, प्रोजेक्ट लाइफ इज 5 years, आफ्टर दैट द प्लांट विल बी स्क्रैप्ड। तो स्क्रैप करके आओगे तो स्क्रैप करके आने अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे वो जमीन को रिहैबिलिटेट करके आइए, सरकार अलाउ नहीं करेगी आपको। आप एक कई रिमोट एरिया में जाके कोई प्लांट बैठा के अपना काम करोगे, 10 साल चलाओगे, 10 साल के बाद उसको स्क्रैप करके आ जाओगे, वहां पे ऐसे एज इट इज छोड़ के आ जाओगे, इट इज नॉट अलाउड। आपको वापस वहां से सारा स्क्रैप को हटवाना पड़ेगा, वहां के एनवायरमेंट को रिहैबिलिटेट करना होगा, आपने इतना वहां पे प्रदूषण फैलाया उसको रिहैबिलिटेट करके आइए, उसका सॉइल को वापस कल्टीवेटिंग सॉइल बनाइए, उसका वहां पे प्लांटेशन करके आइए। तो वो एक कॉस्ट होता है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं, वो टर्मिनल ऑफ द प्रोजेक्ट में आएगा। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी मोर अप्रोप्रिएट हो पाते हैं। एंड लास्टली कैलकुलेटिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली मैंने बोला ना मेन फोकस क्या है कि आपका एनवायरमेंटल कॉस्ट हिडन होता है, लोग जानते ही नहीं कि ये मेरा ऐसा कॉस्ट है जो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है और उसका बाद में आज नहीं तो बाद में हर जाना भरना पड़ेगा।
तो अगर ऐसा होता है तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है आपके इतने सारे खर्चे के लिस्ट में से ट्रेस करके लाके देगा कि ये कॉस्ट आपके एनवायरमेंट रिलेटेड है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, कैलकुलेटिंग में हेल्प करेगा. एंड ऑब्वियसली सेविंग्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स और सेटिंग क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट. जैसे आप लोग बैलेंस स्कोर कार्ड चैप्टर पढ़े मेरे साथ, याद है क्या? बैलेंस स्कोर कार्ड बना देते हैं लोग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग बैलेंस स्कोर कार्ड बना देते हैं कि आप एनवायरमेंट के लिए कस्टमर पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हो, आप प्रोसेस पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हो, एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हो और फाइनेंस पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हो. दे मे मेक अ बैलेंस स्कोर कार्ड. दिस इज परफॉर्मेंस टारगेट में आप यू कैन से बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क का सहारा लिया जा सकता है. बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क का हेल्प लिया जा सकता है. ओके, सेटिंग क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट में बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क का सहारा लिया जा सकता है. नाउ देखिए सारा कवर हो गया. कन्वेंशनल कॉस्ट. कन्वेंशनल कॉस्ट मतलब जो मैंने चार नाम दिए थे ना आपको, यूएस ने चार नाम पकड़े, 1, 2, 3, 4. कन्वेंशनल कॉस्ट मतलब एनवायरमेंट कॉस्ट में हमेशा से लोगों ने दो ही कॉस्ट क्लासिफाई किया है, एक मटेरियल का वेस्ट वगैरह और दूसरा एनर्जी. एनर्जी मतलब पावर वगैरह जो यूज करते हो, फ्यूल वगैरह का कॉस्ट जो आप यूज करते हो, पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल्स जो आपके बिजनेस में यूज होगा. ठीक, क्योंकि रिमोट एरियाज में सोचिए फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है. रिमोट एरियाज है, दूर कहीं फैक्ट्री खोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो वहां पे कैसे फैक्ट्री चलेगी? पूरा पूरा फैक्ट्री डीजल पे ही चल रहा है. हाँ जी, पूरा पूरा फैक्ट्री डीजल पे चल रहा है. या फिर हो सकता है उन्होंने अपना कोई बॉयलर बैठाया है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट बैठाया है. जो थर्मल पावर है तो फिर आप कार्बन एमिट कर रहे हैं, हाइड्रो पावर है तो फिर आप वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं. सोलर पावर बैठाया है तो ठीक है, विंड पावर बैठाया तो ठीक है, थोड़ा बैलेंसिंग हो रहा है. बट सोलर और विंड का इतना कैपेसिटी नहीं होता कि पूरा फैक्ट्री कई बार वो चला ले. तो आप शुरुआत से उतना इन्वेस्टमेंट सोलर और विंड के ऊपर किए कि नहीं पता नहीं, समझ में आ रहा है? तो पूरा पूरा फैक्ट्री में मेजर कॉस्ट जनरली देखा जाता है रॉ मटेरियल के बाद, या रॉ मटेरियल से भी ऊपर कहीं कहीं तो एनर्जी कॉस्ट होता है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट होता है. तो वो एनर्जी कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट आर द कन्वेंशनल कॉस्ट. मतलब अगर कोई पूछे एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या, तो दो ही नाम आते हैं, दीज आर रॉ मटेरियल एंड एनर्जी. बट अब यूएस एजेंसी बोलता है कि और भी अंदर घुसो तो एक हिडन कॉस्ट मिलेगा. हिडन कॉस्ट जनरली ओवरहेड में छुपा हुआ है, खोज के निकालो. अब वो क्या क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं हिडन कॉस्ट में. अब हिडन कॉस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अपने प्रिंटर का कार्ट्रिज रिफिल कराने के बजाय रिप्लेस करा दिए. रिफिल कराते तो 300 रुपए में होता, रिप्लेस कराए तो 3000 रुपया लगा, 2700 हिडन कॉस्ट. समझे, हिडन कॉस्ट का एग्जाम्पल. तो कार्बन कॉन्ट्रीब्यूट ही तो कर रहा है, नया कार्ट्रिज खरीदना इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कार्बन एमिशन. देन कंटिजेंट कॉस्ट, इट इज नॉट इनकर्ड नाउ बट इट विल बी इनकर्ड इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ योर एक्शन ऑफ टूडे. जैसे वही प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो क्लीन अप कॉस्ट होगा, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट होगा, दैट इज कंटिजेंट कॉस्ट, नॉट बींग इनकर्ड टूडे बट विल बी इनकर्ड सून. एंड लास्टली इट इज रिलेशनशिप कॉस्ट विच आर इनटेंजिबल कॉस्ट लाइक प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अप्लाइंग फॉर एनवायरमेंटल लाइसेंस एंड ऑल. देख रहे, एग्जाम्पल से याद रखोगे, रॉ मटेरियल एंड एनर्जी कॉस्ट है, इधर आइडेंटिटी उनका जनरल ओवरहेड्स में चला गया है, इधर क्लीनअप कॉस्ट है, इधर प्रिपेयरिंग एनवायरमेंटल रिपोर्ट से. देन यूनाइटेड नेशंस ने दो नाम बताए, कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, दिख रहा है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ये रहा नाम, एंड कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल कैपिटल एंड लेबर. एक होता है कि आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए, उसका कॉस्ट आपका लगा, जैसे ट्री प्लांटेशन किया, तो दैट इज कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. यहां पर क्या बोल रहा है, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट पॉल्यूशन. देन कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटीरियल कैपिटल एंड लेबर, दैट इज आप इनएफिशियंसीज अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं, वही वेस्ट कर रहे हैं मटीरियल, लेबर का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि लेबर खाना तो खा ही रहा है,
उसका एनर्जी यूज नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव जा रहा है. एंड कैपिटल यानी पैसे, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, अननेसेसरी जगह यूज हो रहे हैं इनएफिशिएंसीज के कारण, तो ऑब्वियसली वी आर कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टू द एनवायरमेंट. ओके, अब जैसे इसमें दो केस स्टडी आता है. अभी फोक्स वैगन का एक केस हुआ था, आपको मालूम है क्या? सुने था आप फोक्स वैगन के ऊपर US गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का फाइन लगाया था? सुने थे हम, बताए थे क्या चीज के लिए था? हाँ, उन्होंने क्या गंदगी किया कि इतना बड़ा कंपनी, सोचिए कि उन्होंने एक ऐसा गाड़ी बनाया अपना जिसमें जो पोल्यूशन एमिट हो रहा है, कार्बन एमिट हो रहा है, वो बहुत नॉर्म्स के ऊपर जा रहा है. तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन रिड्यूसिंग दैट एमिशन फ्रॉम द इंजिन, व्हाट दे डिड, दे मेड अनदर स्पेयर पार्ट विच दे अटैच टू द, यू कैन से, एमिशन पाइप, विच विल डू व्हाट, कि एज सून एज एनी डिटेक्टर इज इंस्टॉल्ड इन द इमिशन पाइप, वो उस पर्टिकुलर समय कार्बन इमिशन कम कर देगा. इमेजिन कितना बुद्धि, खुरापाती बुद्धि, करप्टेड ब्रेन, कि जब आप वहां पे डिटेक्टर लगा रहे हो टेस्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर दौरान इमिशन कम आएगा, जब डिटेक्टर निकाल दोगे तो इमिशन ज्यादा आएगा, जो US नॉर्म्स के खिलाफ था. तो जो जब ये ट्रेस हुआ तो US ने इमीडिएटली लीगल एक केस US गवर्नमेंट ने फाइल किया कंपनी के ऊपर, कि आपको $2 बिलियन का फाइन देना है एनवायरमेंट को रिहैबिलिट करने के लिए, और आपको सारा का सारा कार्स जो इस पर्टिकुलर सिस्टम में बना हुआ है रिकॉल करके रेक्टिफाई करके छोड़ना होगा. अब सोचिए फोक्स वैगन का CEO इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस तुरंत रिजाइन कर दिया. बस संभालना नहीं है, हमें भागना है, तुरंत रिजाइन कर दिया. तो पूरा दुनिया में फोक्स वैगन को लेकर हाहाकार मच गया. तो मेरे कई जान पहचान के लोग में फोक्स वैगन कार थी, मैं उनको फोन किया, क्या कल से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तुम लोग के ऊपर ममता दीदी बैन लगाया क्या? बोले नहीं नहीं अपने तो कुछ नहीं है यार, चला रहे. तो इंडिया में कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं आया, एक्शन ही नहीं लिए. अब वो केस कब रफा दफा भी हो गया मालूम नहीं, उसके बारे में सारी रिपोर्टिंग बंद हो गई. तो होता क्या ना, जब कोई संगीन मुद्दा होता है तो पैसे खिला के उसको बंद भी करवा दिए जाते. बट ये एक एनवायरमेंटल इश्यू तो है. एक और केस था शेल पेट्रोलियम. शेल पेट्रोलियम दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी, US बेस्ड है. वो लोग जब ड्रिलिंग करने गए थे, ये भी मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन, ड्रिलिंग करने गए, फॉसिल फ्यूल निकालने गए सी बेड से, तो गवर्नमेंट एकदम क्लियर तभी लाइसेंस देता है ड्रिलिंग का जब आप ये प्रॉमिस करते हो कि आपका सारा एक्सट्रैक्शन खत्म होने के बाद आप उसको वैसे ही कंडीशन में रिहैबिलिटेट करके जाएंगे, आप हमारा एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. तो हुआ क्या, उनके कुछ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज के कारण उन्होंने जब ड्रिल किया तो ड्रिलिंग के बाद जब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे सी बेड से, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में कहीं स्पिल आ गया, लीकेज हो गया, और वो लीकेज होने से पूरा समंदर में पेट्रोलियम फैल गया, तो बहुत सारी मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई. एंड उस समय जो पेनल्टी शेल पेट्रोलियम पे लगाया गया, दैट वाज वन ऑफ द बेंचमार्क पेनल्टी उस समय पे जो किसी कंपनी पे एनवायरमेंट के प्रति लगाई गई थी. शेल पेट्रोलियम का बिजनेस एक बार के लिए कई सालों तक हिल गया था, फिर वो लोग रिहैबिलिटेट कर लिए. मतलब कॉन्शियस होना जरूरी है. देखिए होता क्या है ना, होता क्या है, जब आप कुछ नहीं होते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप कुछ होते हो ना तो सारी भीड़ तो आपके पीछे ही चल रही है ना, तो उस समय आप एक इनएफिशियंट एक्शन ले लेते हो तो उसका इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है. एंड नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी था एनवायरमेंटल कॉस्ट इन प्रैक्टिस कैन बी स्प्लिट इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्ट. इंटरनल कॉस्ट मतलब उसका इंपैक्ट कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे होगा,
वो आपका खुद का कॉस्ट है, ओन कॉस्ट, आप समरी में लिख लीजिए ना वहां छोटा सा ओन कॉस्ट. एंड ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल कॉस्ट आर इम्पोज्ड ऑन द सोसाइटी एट लार्ज बट नॉट बोर्न बाय द कंपनी दैट जनरेट्स द कॉस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. कंपनी उसका कॉस्ट बियर नहीं कर रही, सोसाइटी बियर कर रही है. Recently, government of many countries have become increasingly aware of these external costs and उसको nullify करने के लिए वो लोग taxes लगा रहे, specific taxes लगा रहे, environmental tax. For example, if the activities of the companies lead to forest degradation, they might be required to have a tree development program or they may be granted lower tax allowances on their vehicles that cause a high degree of हार्म टू द एनवायरमेंट. मतलब वो व्हीकल का फिर आपको जो खर्चा का अलाउवेंसेस मिलता था टैक्स में वो सब नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रदूषित किया है. ठीक, तो कहीं ना कहीं फर्क तो आपके दिमाग में ही पड़ रहा है भाई इतना ज्ञान सुनने के बाद कि हाँ यार मैं एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहा हूं. हाँ जी, जैसे मेट्रो में ज्यादा ट्रेवल करे रादर देन बस, तो आप एनवायरमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करें नहीं क्या? बस तो डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल यूज कर रहा है, मेट्रो वैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है. हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली तो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर ही है, तो इनडायरेक्टली वो भी बर्न कर ही रहा है, कार्बन बर्न वो भी कर रहा है, बट डायरेक्ट है और वो थोड़ा इनडायरेक्ट है. इसमें रेट ऑफ बर्निंग बहुत कम है, फर्क पड़ता है. एक ट्रेन में इतने सारे लोग जा रहे हैं, बस में लिमिटेड लोग जा रहे हैं, वॉक करे तो नथिंग लाइक इट. लास्टली हेंसन एंड मेंडोजा ने वही क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के जैसा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के जैसा, लाइक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के जैसा चार कैटेगरीज बताया. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाउ वुड यू कैटेगराइज दीज कॉस्ट इनटू फोर हेड्स एज डिस्कस्ड बाय हेंसन एंड मेंडोजा और एज डिस्कस्ड एज प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर. जैसे TQM में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें भी आने की संभावना है. तो एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है इसको एक बार समझना होगा आपको. एनवायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग टू प्रिवेंट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. यहाँ पे कीवर्ड है प्रिवेंटिंग एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. आप सोचो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई एडवांस पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट या एडवांस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन यहां पे काफी दिए हुए हैं. कोई एनवायरमेंटली ड्रिवन R&D कर रहे हैं, आप फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं बिफोर अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट. ओके, तो इक्विपमेंट्स और R&D मतलब बेसिकली दीज आर ओनली द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, बट साइट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज आपको ध्यान रखना है. ये सब एग्जाम्पल है ऑफ डिफरेंट कॉस्ट दैट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी. दैट वॉज नंबर वन. नंबर टू, एनवायरमेंटल अप्रेजल कॉस्ट. अप्रेजल आपको याद है क्या होता था? इंस्पेक्शन रिलेटेड. तो क्या क्या चीज का इंस्पेक्शन होगा? टेस्टिंग होगा, इक्विपमेंट्स का टेस्टिंग कि वो कितना पोल्यूशन एमिट कर रहा है. ओके, उसका रिपोर्टिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी इसमें आता है, सब ध्यान रखना. रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इज अप्रेजल कॉस्ट. इंप्रूव्ड सिस्टम्स एंड चेक्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज. ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट. आपको पता है क्या, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एनवायरमेंटल ऑडिट करना पड़ता है. बेसिकली दैट इज ऑल चेकिंग ऑफ वेदर यू आर एमिटिंग एज पर द स्टैंडर्ड्स और नॉट. तो एनवायरमेंटल ऑडिट, परफॉर्मिंग कॉन्टेमिनेशन टेस्ट. कॉन्टेमिनेशन मतलब वही कितना पोल्यूशन आप वहां एनवायरमेंट में छोड़ रहे हो उसका टेस्ट. थर्ड, एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट. अच्छा, अप्रेजल कॉस्ट में कीवर्ड है कंप्लायंस में है कि नहीं. कंप्लायंस इज द मेन कीवर्ड. तो कंप्लायंस के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, जितना होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं. तो टेस्टिंग वेस्टिंग के जितने कॉस्ट है वो सब यहां पे आ गए. थर्ड, एनवायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट. अब इंटरनल फेलियर आपको याद आता है क्या होता था? क्या होता था?
डिफेक्ट को रिवर्क करने का कॉस्ट, स्क्रैप का कॉस्ट याद आ रहा है, टीक्यूएम में पढ़ा था, मतलब डिलीवरी के पहले। अब इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे पढ़ना है कि आपने वेस्ट प्रोड्यूस कर लिया ठीक, बट उसको इन्वायरमेंट में अभी डिस्चार्ज नहीं किया, तो यहां पे जो अंदर फैक्ट्री में बन चुका है वेस्ट का कॉस्ट आप निकाल रहे हो बिफोर डिस्चार्जिंग इट टू द एनवायरमेंट। कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम एक्टिविटीज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट नॉट डिस्चार्ज टू द एनवायरमेंट, जैसे कि स्क्रैप आया तो आपने रिसाइकल कर लिया। ऑफ कोर्स द फोकस इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, द फोकस इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। आपने डिस्चार्ज करने के पहले क्या क्या एक्शन ले लिया बिफोर डिस्चार्जिंग, एक्शंस अंडरटेकन। क्या क्या एक्शन ले लिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बिफोर डिस्चार्जिंग, व्हाट एक्शंस यू हैव अंडरटेकन। तो रिसाइकलिंग स्क्रैप करेक्ट, रिसाइकलिंग स्क्रैप मतलब आपने डिस्चार्ज तो नहीं किया, स्क्रैप को रीयूज कर लिया। कोको कोला का सप्लाई चेन आपको दिखाया गया था याद है, उसमें एक सप्लाई चेन में इंटरनल प्रोसेस जब बता रहा था तो बता रहा था कि जो भी उनके पैकिंग मटेरियल्स बनते हैं ना, बनने के बाद स्क्रैप जो जनरेट होता है वो लोग सब रिसाइकल करते, रिसाइकल करने से कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। एप्पल फोन्स में रिसाइकलिंग याद है, अगर यूजर्स बोर हो गए तो दे कैन गिव दैट ओल्ड फोन टू एप्पल स्टोर एंड देन दैट फोन इज यूज फॉर रिसाइकलिंग। आईटी मार्केट में, कंप्यूटर मार्केट में देर इज अ मार्केट फॉर रिफर्बिश्ड आईटी प्रोडक्ट्स, पता है, जैसे आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो ना आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, लैपटॉप कंप्यूटर बहुत सस्ते वाले अगर मिल रहे हैं जिसमें अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑब्वियसली इतना सस्ता कैसे हो सकता है। ऑनलाइन में बहुत बार आप ऑफर के चक्कर में अट्रैक्ट हो जाते हो, 10,000 रुपया में इतना बड़ा लैपटॉप आएगा, ये फी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 30,000 के नीचे कभी नहीं मिल सकता है, तो 30 का माल 10 में कैसे आएगा पता है, वो सब रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बने हुए, रिसाइकल्ड कॉम्पोनेंट से बने हुए, उसको रिफर्बिश्ड सिस्टम बोलते हैं। रिफर्बिश्ड सिस्टम मतलब जैसे आपने कोई कंप्यूटर को एक्सचेंज में कंपनी को दे दिया, स्क्रैप करवा दिया, कंपनी ने उसके सारे कंपोनेंट्स को खोले, उसको साफ ऑफ करके रिफर्बिश करके वापस एक कंप्यूटर बना दिया। रिफर्बिश्ड कंप्यूटर हम लोगों को यहां पे कोटेशन मिला था 10,000 रुपया में मिल जाएगा पूरा कंप्यूटर, मेरे को तो बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्या बात कर इतना सस्ता आता है, मन बना लिया पूरा जोर से, बट बाद में समझ में आया कि अरे ये तो पूरा रिसाइकल चीज है, रिसाइकल चीज का वारंटी नहीं होता, और वारंटी कई बार कंपनी से आता है ना रिफर्बिश हो गया, जैसे एचपी अपना रिफर्बिश सेगमेंट चलाता है, लेनोवो अपना रिफर्बिश सेगमेंट चलाता है, तो वो लोग जब बेचते हैं तो दे विल गिव यू 1 ईयर वारंटी, बट 1 ईयर पे तो कभी कुछ होता ही नहीं है ना, असली तो शुरू होना होता है 1 ईयर के बाद, और उस समय परेशानियां देना शुरू करता है, तो नया लेने से 5 ईयर वारंटी आ जाता है, तो वो 1 ईयर 5 ईयर का बैलेंसिंग आपको करना होता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कि आप अपने स्क्रैप्स को रिसाइकल करना सीखें। जैसे आप लोग भी अपने पुराने बुक्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, हा कबाड़ी वाला को बेच रहे हैं, हाँ जूनियर्स को दे देते हैं, श्योर जो मांगते दे देते, जो नहीं मांगते उसका क्या करे, आजकल जूनियर लोग भी होशियार हो गया, हम लोग पुराना बुक से नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहते तो उस बुक को जला देंगे, तो एनवायरमेंट को दूषित करेंगे, तो क्या करेंगे, कबाड़ी वाला को बेच के आप सोचते पैसे ले लेंगे। एक और ऑप्शन है, अमेज़न ने एक बुक स्टोर खोला है जिसमें आप पुराने बुक बेच सकते हैं ऑनलाइन,
एट द प्राइस ऑफ, अगर वो अच्छा कंडीशन में है तो आप अपने हिसाब से कंडीशन बताकर प्राइस लगा सकते हो, कुछ बेनिफिट ले सकते हो। कॉलेज स्ट्रीट में, यहाँ पे जो है कॉलेज स्ट्रीट में जाके हम लोग कई बार बेच देते थे पुराने बुक, 30-40% पे बिक जाता था। हाँ क्या लिखा हुआ कॉपी तो आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा, बट यही है रिसाइकलिंग जितना हो सके। लिखा हुआ कॉपी को हम लोग रिसाइकल कैसे करते थे, बचा हुआ पेज फाड़ के बाइंडिंग करा के रफ कॉपी, ये तो सभी किए। तो रिसाइकलिंग, स्क्रैप, डिस्पोजिंग टॉक्सिक मटेरियल, ओके, एंड बैकएंड कॉस्ट सच एज डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ये समझ में आ रहा है आपको, डीकमिशनिंग कॉस्ट क्या हुआ, प्रोजेक्ट बंद होने के बाद आप सब चीज को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको बैकएंड में उसको पूरा तरीके से बंद डीकमीशन करके जाना होगा, रिहैबिलिटेट करके जाना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि वेस्ट हुए या ऐसे चीज निकले जो एनवायरमेंट को इंपैक्ट करते हैं, बट आपने उसको डिस्चार्ज नहीं किया, आपने उसको ट्रीट कर दिया। ध्यान रखिएगा, हमारा टीक्यूएम का इंटरनल फेलियर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पर इंटरनल फेलियर का कॉन्सेप्ट है कि हम एनवायरमेंट में नहीं भेजे हैं, हमें कुछ गड़बड़ी दिख गई, हम उसको ट्रीट कर दिए, अपने तरफ से जो योगदान हो सकता था कर दिए। प्रिवेंशन कॉस्ट और इंटरनल फेलियर में फर्क क्या हुआ कि प्रिवेंशन कॉस्ट बोलता है ऐसा जगह जाओ ही मत जहां पे ऐसा कुछ आए या फिर इस तरह का स्क्रैप कम जनरेट हो, ऐसा कुछ इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करो। प्रिवेंशन विल रिड्यूस दिस इंटरनल फेलियर्स, प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव होता है, लिख लीजिए, प्रिवेंशन रिड्यूसेस इंटरनल फेलियर्स एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फेलियर्स, बट प्रिवेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल फेलियर को रिड्यूस करना। फोर्थ, एक्सटर्नल फेलियर मतलब अब आपने डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आफ्टर डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू द एनवायरमेंट, तो उसके बाद रिहैबिलिटेट करिए, जैसे कि क्लीनिंग अप कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, रिस्टोरिंग लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट। तो सर एक चीज बताओ, डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन और ये क्लीनिंग अप कॉन्टेमिनेटेड सॉइल में फर्क क्या हुआ? डीकमिशनिंग में हमने देखिए प्रोजेक्ट एंड किया तो हम बरियल नहीं किए, दफन वफन कुछ किए नहीं, हम खुद ही उसको उठा के ले गए, दैट इज डीकमिशनिंग। और यहां पे क्या हुआ कि हमने कर दिया, फिर ऑब्वियसली कोई पीछे पड़ा तब बुद्धि आया, इसमें बिना पुश के कौन करेगा। जैसे एक्सटर्नल फेलियर आप लोग टीक्यूएम में क्या पढ़े थे, आफ्टर सेल सर्विस, तो आफ्टर सेल सर्विस अपना मन से करते हैं कि सर आपका कोई खराब हुआ तो बताइएगा, ऐसा नहीं होता है, वो कस्टमर आके धक्का देता है तो अपन कर देते हैं, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। उसी तरह से यहां पे कोई एजेंसी आके, गवर्नमेंट आके आपको धक्का देगा तब तो आपको बुद्धि आएगा, या फिर आपका कोई इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप जाते वक्त अभी बरी कर दो बट जाते वक्त आप कॉन्टेमिनेटेड सॉइल को ठीक करके जाना। द एनवायरमेंटल कॉस्ट रिपोर्ट शुड बी सिमिलर इन फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट, ये तो अब समझ में आ ही चुका है हम लोगों को। सम कंपनीज हैव स्टार्टेड लिंकिंग देयर एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी टू कंक्रीट परफॉर्मेंस मेजर्स वाया बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क। तो मैंने आपको एनवायरमेंटल कॉस्ट का सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, चार नाम थे, एक बार रिविजन करते हुए जाते, पहला नाम था यूएस का चार नाम, यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का चार नाम, कन्वेंशनल, हिडन, कंटिंजेंट मतलब आज नहीं है बट बाद में लग सकता है, और एक रिलेशनशिप कॉस्ट इज लाइक प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स एंड ऑल, कंडक्टिंग स्टडीज एंड ऑल। सेकेंड यूएन डिविजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने प्रोटेक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ वेस्टेड लेबर मटीरियल एंड कैपिटल। देन प्रैक्टिस में दो था, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम खुद बियर कर रहे हैं उसका कॉस्ट, और एक्सटर्नल में एनवायरमेंट बियर कर रहा है, सोसाइटी बियर कर रहा है। एंड लास्टली
हैंसन एंड मेंडोजा ने जो बताया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड, चार इजी नेम है. प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज टू रिड्यूस द फेलियर्स. अप्रेजल इज टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ एमिशंस. देन इंटरनल फेलियर इज बिफोर डिस्चार्जिंग वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग. एंड लास्ट एक्सटर्नल फेलियर इज आफ्टर डिस्चार्जिंग वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. दैट्स ऑल फॉर टूडे. थैंक यू.